हेलो। हेलो। हाँ, पता लगा हाँ कुछ? जी, हेलो, मैं बात करता हूँ बस आपको। आधे घंटे में हम यहीं बैठे हुए हैं, अभी कहाँ बैठे कर हो रहे हैं आप? सब। यहाँ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो पहुँच रहे हैं अभी हमारे पास 10-15 मिनट आप अभी पुलिस स्टेशन में हो, वो रिजॉर्ट में जाएंगे? क्या? हाँ, रिजॉर्ट में रिजॉर्ट जाएंगे, में वो जाएंगे? पूरा सारा सब देखेंगे, सारी चीज सब देखेंगे, कहाँ है, किसके साथ बात किया, क्या नहीं किया, कॉल डिटेल पूरी निकालेंगे, हिस्ट्री सब निकालेंगे भाई, सब करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हाँ जब आपने मेरे को रात को फोन किया था कि इनको ले जाओ, है ना, कहीं हाँ और जॉब हाँ ढूंढो, तो हाँ उसके बाद से उनका फोन बंद क्यों है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। भैया, आपको सारी बात समझाएंगे, अभी आप आधा घंटा नहीं, दीजिए, चलो आधे घंटे चलो बाद चलो बात करते हैं चलो, ये आपसे। भी मानता हूँ, चलो जो भी है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आपने अपना पर्सनल फोन कैसे दे दिया पूरी रात के लिए? भैया, मेरा पर्सनल फोन क्या है, मेरे फोन में क्या है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जैसे मेरा कोई पर्सनल हाँ फोन है, मैं पूरी रात के लिए किसी को हाँ थोड़ी ना दूंगा। हो सकता है कि शायद आपके पर्सनल फोन में कुछ ऐसी चीजें रहती हो कि आप किसी को नहीं दे सकते हो। जो मर्जी हो, मगर पर्सनल फोन है हाँ ना, बंदा कहीं पे भी फोन हाँ कर सकता और है दूसरी ना? बात क्या है ना, ऐसा है, देखिए मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं आपको भी आधे देखो घंटे में बात जो करता देखो हूँ। जो मर्जी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ आपकी है, आपको ढूंढना पड़ेगा हाँ जो मर्जी हो, भाई साहब वही कर रहे हैं, और ठीक आप है हमें ना? ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत समझाइए, कुछ समझ रहे हैं नहीं आप बात, देखिए, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं ठीक आपको याद है? दिला रहा हूँ। बस आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप हाँ ढूंढिए, ठीक है ना? आप आधे हेलो हेलो। हाँ जी, क्या हाँ, मेरी उनसे बात हो गई है, सोनू जी से। कह रहे? अच्छा, कुछ नहीं, बोल रहे कि मैं सर्च तो कर रहा हूँ, अभी मिल नहीं रहे है ना यहाँ पे कहीं पे भी। हाँ अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, हाँ, आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना, 9 बजे? हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था, तो हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी, और उसने मेरे से मेरा फोन लिया, और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे, उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। और आपने दे दिया? भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था, मेरा फोन तो उसी के पास था। रात को हाँ, तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने, क्या? मेरे को फोन नहीं किया, फिर भी अच्छा, उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? भाई देखो, अगर तुम्हारी क्या अगर बात, अगर अगर आपका फोन उनके पास है और मैं 3 बार रात को कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे एड्रेस फोन एक पे बार भी तो क्या उठाएंगे आपने? ना? हाँ, आपके फोन पे। तो मेरा फोन भी घंटी बजी, हाँ जी, और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा तो पॉसिबल? ये रात की बात है, कोई साढ़े दस कितने बजे? 10-10:30 बजे की बात है। 10:30 बजे तो हम लोग सो रहे थे वहां रिसोर्ट में। अच्छा, 10:30 बजे तक तो साढ़े हम वहां पे लगभग, ये मान के चलो 9 बजे तक हम रिसोर्ट में थे। उसको खाना सर्व किया, खाना खाया उसने, तो खाना हम खाया अपने था को, हाँ खाना उसको सर्व किया था, रात को? हाँ कब? हम अपने लगभग 9 बजे करीब, 9 बजे के करीब जब आप वापिस आए थे। देखिए, हाँ जब आप बाहर थे ना, हाँ तब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी, उसके बाद आके सिर्फ आपका फोन आया था मुझे, अच्छा, उसके बाद से उनका फोन बंद है और अभी तक बंद ही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो उसके बाद सीधा वहां आया रिजॉर्ट में, और मैंने रिजॉर्ट अभी में अपना वही रुका, हाँ, सुबह सुबह निकला मैं रिजॉर्ट से 6 बजे करीब। अभी आपका फोन मिला? नहीं मिला अभी तक, ना अभी नहीं मिला फोन मेरा, नहीं मिला ना। तो आप अपने फोन को सर्च कीजिए ना। मैंने, अरे भाई मैंने सुबह सुबह उसको सौरभ को भेजा था ना अपने फोन को सर्च करने के लिए, मैंने सौरभ को बोला, मैंने कहा भास्कर को बोला, मैंने कहा सौरभ ऐसा है, वो अंकिता के रूम में मेरा फोन पड़ा हुआ है, उसे नॉक करके जो है ना मेरा फोन उठा करके चार्जिंग पे लगा दे, मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ रिजॉर्ट में। तो उसने मेरे को बोला कि भैया, उसने सौरभ को भेजा, उसने बोला भैया वो तो रूम में नहीं है। मैंने कहा अच्छा, और उसका सामान वगैरह क्या रहा? सामान सामान सब रखा है उसका। अच्छा, सीसीटीवी तो होंगे ना प्रॉपर्टी के? हाँ चेक तो करता हूँ मैं सीसीटीवी, क्या है, क्या चल रहे हैं, क्या है, क्या स्थिति है। नहीं चलते तो होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं चलते होंगे, सीसीटीवी ऐसा चलते है। होंगे। देखो पुष्प, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। मेरे साथ ना, मैं आपसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, समझ रहे हैं आप? नहीं, मुझे पता है ठीक आपकी है, ज्यादा जिम्मेदारी है। और मुझे ना, मतलब क्या बोलते हैं, ये सब सिनेरियो ना मुझे कचोट रहा है, मतलब मुझे समझ में बात नहीं आ रही कि क्या आपके साथ तो नहीं है वो, मुझे मुझे सच सच बात ये बताइए। सर ऐसा होता तो मुझे आपको कॉल करने की क्या जरूरत थी, बताइए। कहीं उसके घर वालों के सामने कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने के लिए कोई आपकी और उसकी बात हो कि नहीं, चलो मैं नहीं, चलती नहीं, हूँ? नहीं 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 सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने घर पे हूँ, मेरी लोकेशन देखिए आप। पुष्प
कोई आपकी और उसकी बात हो कि नहीं? चलो मैं नहीं, 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 नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने घर पे हूँ, मेरी लोकेशन देखिए आप। और इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ से 13-14 घंटे की जर्नी है। बात तो ठीक है, लेकिन अब देखो, अब वही बात हो रही है ना, कल वैसे बात क्या हुई थी आपकी उससे? उसका कल मूड भी बहुत खराब हो रहा था। हाँ, उन्होंने बताया नहीं ना मेरे को, यही तो है, उन्होंने बोला कुछ मैटर हुआ है ये वो। क्या मैटर हुआ है? वो नहीं बताया ना, वही तो पूछना था रात को। अच्छा। हाँ, तो ऐसा था कि थोड़ी परेशान थी। हाँ, लग रहा था कि थोड़ी परेशान। भाई देखो, सुनो मेरी बात, परेशान थी वो, ठीक है, शाम को 3-4 बजे से परेशान थी वो। हमें लगा कि यार चलो ठीक है, उसने अक्सर हमें ये बात बोली कि मेरे को ना बाहर घूमना मेरे को अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं और अंकित जा ही रहे थे, सौरभ को बोला, मैंने कहा सौरभ इसको भी ले लेते हैं, ऋषिकेश तक चलेंगे, पूरे ऋषिकेश की एक एक मार्केट का सीसीटीवी है सब, सारे के सारे, हम कितने बजे कहाँ पर पहुंचे, कहाँ से आए। इवन क्या हुआ कि जब आपसे बात कर रही थी ना वो, उस टाइम पे एम्स के सामने बैठ के उसने बात की आपसे। और हम एम्स के सामने वाले गेट पे बैठ के उसने बात की आपसे, और हम वहीं पर खड़े होकर के बात करते रहे, हम वहीं पर खड़े होकर वेट करते रहे उसका कि कब तुम्हारी बात खत्म हो और कब हम चले यहाँ से। आप बाहर कब गए थे? कहाँ बाहर कब गए थे आप? रिजॉर्ट से 6 बजे। हाँ, रिजॉर्ट से लगभग 6 बजे तो नहीं गया था, हम लोग गए थे कोई ऐसे 6:30-7, अब एग्जैक्ट टाइम तो मेरे को ध्यान नहीं है। अच्छा अच्छा, तो 9 बजे वापस आ गए थे? हाँ, 9 बजे तक आ गए थे वापस। अच्छा, रात तक तो रूम में थी ना? रात तक रूम में थी वो। अच्छा अच्छा, और दूसरी बात एक और सुनो ना मेरी बात, एक बात ये है कि हमने उसको रिजॉर्ट के बाहर अपना रूम में छोड़ा, ठीक है। अब उसके बाद आपकी उससे क्या बात हुई, बस मेरे को ये बात है सारी, क्योंकि आपसे बात करने के बाद भी उसका मूड ठीक नहीं था। देखो मेरी बस उसी वक्त बात हुई थी जब आप बाहर थे ना। हाँ हाँ, तो वही नॉर्मल बात जैसे होती है मेरी बात। आप और हम दोनों क्या बोलते हैं, आपस में डिस्कशन करके कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। मुझे एक बार क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा उनको इन्फॉर्म करता हूँ, जो आसपास के लोग हैं वो लोकेशन वोकेशन निकाल करके देखेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है, कहाँ है क्या नहीं है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट देखो भाई, बात क्या ना उसका मिलना जरूरी है। हाँ, कहाँ गई है वो, किसके पास गई है, ठीक है। कल वो क्या बोलते हैं, कल शाम को भी वो यूं बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ, वो तो मेरे को बोला था उन्होंने कि मैं थोड़ा ऐसे परेशान हूँ, मेरे को बोला उसने कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैंने कहा तू कहाँ जाएगी, कह रही मेरे को कुछ पता नहीं है मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन मैं कहीं भी जा रही हूँ। मैंने कहा क्या दिक्कत आ रही है बता मेरे को, बस कुछ माइंड अपसेट था इसीलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया था रात को। मैंने कहा यार देखो, ये हम यहाँ व्यापार करने के लिए बैठे हैं, बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, ना तो वो मेरी कोई रिलेटिव है, ना मेरा उसके साथ में कोई आगे भविष्य में कोई फ्यूचर है, ठीक है। मैं उसको अपॉइंट किया इसलिए कि ताकि वो यहाँ पर दो अच्छे काम कर सके, तो वो काम तो खैर क्या ही कर रही है, ऊपर से मेरे को डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा दे रही है। क्या डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है? क्या डिस्टर्बेंस मतलब? अरे डिस्टर्बेंस मतलब जितनी उससे हमारी अपेक्षाएं हैं कि वो जिस तरीके से वो काम कर लेती है, वो उतना कुछ भी नहीं। 24 घंटे उसका मन खराब रहता है, 24 घंटे उसका मूड खराब रहता है, आधे टाइम वो आपसे बात करती है, आधे टाइम वो क्या बोलते हैं स्टाफ के, कभी किसी से बात करती है, कभी किसी से बात करिए, पूरे स्टाफ को लेकर के इधर उधर बैठती रहती है। 2-3 बार तो मैंने आपको ये बात बोली मैंने आपको। तो भाई हमारा तो क्या बोलते हैं, हम तो ये है कि उसको लेकर के बहुत ज्यादा मतलब ये, इसीलिए मैंने कल आपको फोन किया कि भाई आप अपनी कुछ प्लानिंग करो, इन्हें बोलो कि अपना ये कहीं पर शिफ्ट हो, कहीं पर अच्छी जगह यहाँ से प्लानिंग करो, क्योंकि वो कल ये बात उनके सामने बोली थी आपने? नहीं, ये बात उनके सामने बोली थी नहीं बोली थी ये नहीं मेरे को पता, वो रूम में थी मैं बाहर था। ओके ठीक है, जिस टाइम पे उनका मिलना बहुत जरूरी है, आपको पता है ना सीरियस भाई। हाँ, तुमसे ज्यादा इस बात की मेरे को चिंता है, क्योंकि वो यहाँ दरवाजे छोड़ के गए हैं आपके पास। हाँ, मेरे यहाँ पे उसकी मिसिंग हुई है, कहाँ गई है क्या नहीं गई है वो मेरी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, तो आप मुझे भी मेरा काम करने दो, अभी देखता हूँ मैं कहीं ना कहीं से क्या है, कुछ ना कुछ निकालेंगे उसका रिजल्ट। हाँ, देखिए अभी तो चलो ठीक है, मगर शाम तक ये बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। तो अभी चलो कुछ कीजिए आप, उनको ढूंढिए प्लीज। और जहाँ तक मुझे लगता है स्टाफ वाली साइड से कोई दिक्कत आई है, नहीं तो बंदा ऐसे थोड़ी ना परेशान बैठता है, क्योंकि मेरे साथ तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं है उनकी कि मेरे से कोई परेशानी हो, है ना। आप एक बार उधर देखिए कि वहाँ कौन परेशान कर रहा है उनको स्टाफ में, ठीक है ना कोई तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि बंदे का रोज ही मूड खराब हो जाए, ठीक है ना। चलो देखते हैं। हाँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा अच्छा,
कुछ नहीं हुआ, उसको है नहीं यहाँ पर, वो अपने रूम में एक घंटे से ढूंढ रहा हूँ मैं उसको, सारी प्रॉपर्टी में देख लिया और बाहर भी ढूंढाया, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आपसे बात हुई थी उसकी, तो आपके पास तो नहीं आई वो? मेरे को आप एक बार बताइए जी, जब आप बाहर गए थे तो आप कब आए थे वापस? हम आ गए थे शायद 9 बज रहे होंगे उस टाइम। हाँ, तो 9 बजे के बाद उनका फोन बंद है और अभी तक बंद ही है, फिर मुझे कैसे पता होगा, खुद बताइए आप। लेटेस्ट तो आपसे ही बात हुई और आपके साथ ही थे ना बार? हाँ बात तो हुई थी, लेकिन वो कुछ अपसेट थी शायद कल, तो कल मैटर क्या हुआ पहले ये तो बताइए आप, मैटर क्या हुआ? मैटर कुछ भी नहीं थी, नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, थोड़ी अपसेट थी वो। किस बात से अपसेट थी? शायद हमें ऐसा लगा शायद आपसे कोई बात हुई होगी। नहीं, मेरे से तो कोई बात ही नहीं हुई है। अच्छा, मैटर आप वाली साइड से है? तो यहाँ तो हमने सारा ढूंढ लिया, हमने ना उसको ऑफिशियली कुछ ऐसा डाटा वगैरह कुछ भी, मतलब नॉर्मल था जैसे चल रहा था सब कुछ। तो अभी वैसे मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, हो सकता है कि सामान सामान तो सब है रूम में, सामान रूम में। हाँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है आप बताइए, जब कोई लड़की ऐसी जो अकेली कभी बाहर निकलती नहीं है तो वो कैसे गायब हो सकती है रिजॉर्ट से? हम खुद यही सोच करके हैरान है, तभी तो हम सोच रहे हैं कि अगर आपके पास है तो आप मतलब क्लियर कर दो, हाँ भाई वहाँ टेंशन खत्म हो जाएगी और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मेरी 9 बजे के बाद बात हुई नहीं है, जब आपके साथ वो बाहर थे ना तो आपको पता होगा, मेरे को फोन किया था उस वक्त उन्होंने, तो वो बाहर थे, तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि हाँ हम अभी जा रहे हैं वापस, तो उसके बाद मेरी बात नहीं हुई, तब से उनका फोन बंद है। अच्छा, पुलकित जी से रात को बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हाँ कि आप ना कहीं और देखो जॉब, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं हम कहीं और देख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि हमें थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैंडिडेट चाहिए, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा कैंडिडेट चाहिए आपको वैसे ही कैंडिडेट मिल जाएगा, चलिए कोई बात नहीं हम कहीं और सर्च कर लेते हैं, है ना। तो फिर उनका भी फोन बंद आ रहा था, अभी मैंने जैसे तैसे उनका दूसरा नंबर निकाला और उनसे बात की। अच्छा, तो बताइए मैटर क्या है, ये बताइए पहले, मुझे ऐसा लग रहा है आपको छुपा रहे हैं। नहीं नहीं भाई, तो छुपाने वाली क्या बात है, इसमें नॉर्मल वो जॉब कर रही है, मैं भी जॉब करता हूँ यहाँ पर। देखिए मैं तो वो समझ रहा हूँ कि जॉब कर रहे हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं, मगर ऐसा कभी हुआ नहीं है ना, इसलिए सोच करके तो मैं भी हैरान हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। वो तो ज्यादा से ज्यादा बाहर रोड के तक फोन पे बात करते है और नंबर भी स्विच ऑफ है। आपने बाहर रोड तक देखा? हाँ, मैं रोड पे आया हूँ और अभी मैं प्रॉपर्टी की बैक साइड पे जाऊंगा, एक बार वहाँ देख के आऊंगा, कहीं गंगा किनारे वहाँ कहीं तो नहीं बैठी हुई है। अच्छा, तो एक बार बताइए ये उनका नंबर क्यों लिया ना, फोन क्यों लिया पुलकित जी का? मेरे को मालूम नहीं है, ये पुलकित जी बताएंगे। उन्होंने बोला था कि मेरा फोन लिया था उन्होंने रात को, क्योंकि फोन की बैटरी नहीं थी। अच्छा, मालूम नहीं है मेरे को, क्या मतलब होता है पूछना पड़ेगा अभी, पुलकित जी यहाँ पर है नहीं प्रॉपर्टी में। नहीं नहीं, मेरी उनसे ही बात हुई थी ना, तो उन्होंने ही आपको नंबर दिया होगा ना मेरा कॉल। हाँ हाँ, उन्होंने ही दिया है। हाँ, तो उन्होंने खुद बोला मुझे। चलो मैं पूछता हूँ क्यों लिया होगा फोन वगैरह, क्या बात है? कोई बात नहीं, ये चीज तो मैं पूछ लूंगा खुद ही, मैं सर्च करता हूँ अच्छे से। हाँ आप प्लीज देखिए, ठीक है ना, ये कोई नॉर्मल मैटर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी आने वाले टाइम में सीरियस मैटर बनेगा, आपको पता है, अभी नहीं तो शाम तक सीरियस मैटर हो जाएगा अगर वो नहीं मिलती है तो। सही, वो आपके प्रेमसी से गायब हुई है बिना उसका सामान गया हुआ। और कल वो परेशान भी थी। नहीं भाई साहब, मैं तो बाहर भी ढूंढ आया हूँ और अभी मैं पीछे की साइड भी जा रहा हूँ, पूरी प्रॉपर्टी में भी ढूंढ लिया, एक एक रूम कॉल करके सर्च कर लिया। हम तो खुद इतनी टेंशन में, ऐसे सारी जिम्मेदारी हमारे सर पे थी, उसकी ऐसे अचानक कैसे निकल जाएगी? हमको तो ये डाउट था कहीं आपके साथ ना गई हुई हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो यार 3 दिन से पहले की घर आ गया, मेरे साथ कहाँ जाना है? अगर ऐसा होता तो मैंने कॉल क्यों करनी थी, आप सोचिए। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ एक बार। हाँ एक बार देखिए आप, हाँ तो बताइएगा। ठीक ठीक है जी, जैसे कुछ अपडेट मिलेगा मैं आपको कॉल कर दूंगा। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जैसे कुछ अपडेट मिलेगा हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। मतलब आपको कुछ तो पता होगा ना कि कब गए हैं कब नहीं गए हैं, कुछ तो पता होगा। मैं यहाँ बैठा थोड़ी ना था देखने के लिए। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, जब आप साहब रात को इकट्ठे किए थे तो उसके बाद वापिस आई थी वो या नहीं आई थी? जरूर आई थी, आई थी, आई थी, बिल्कुल आई थी। खाना खाना खाया था उन्होंने? हाँ मैंने खाना भी दिया था उन्हें। तो उन्होंने खाया था? अब ये तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा अच्छा, तो मतलब फिर ये सुबह ही निकले, अगर निकले हैं तो पता नहीं भैया, मेरे को कुछ भी, मेरा खुद दिमाग खराब हो रखा है, हम लोग सुबह से यही सोच रहे हैं। देखो दिमाग वाली कोई बात नहीं है, देखो अगर कोई भी बंदा स्टाफ का इन्वॉल्व हुआ ना बीच में तो अच्छा नहीं होगा।
स्टाफ का इन्वॉल्व हुआ ना बीच में तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस सिर्फ बता रहा हूँ, चाहते हैं हमें पता लग जाए क्या बात है। नहीं वो तो अच्छी बात है, आपको पता लग जाए, हम भी नहीं चाहते। आप बता दो, आपके साथ है तो आप बता दो बल्कि। अरे मेरे साथ होता मैंने फोन क्यों करना यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम भी यही बोल रहे हो, तुम्हारे साथ भी यही बोल रहे हैं। अब बस वही बात है ना, हम भी क्या करें, मतलब हम तो ठीक है ना, खुद परेशान हो गए भाई। पता क्या है, लास्ट टाइम बंदा तुम्हारे साथ है, तुमसे पूछता है ना, मैंने किसी और से थोड़ी ना पूछना। बताओ ये अपडेट तो तुम ही दोगे ना, इतने समझदार तुम भी हो कि अगर बात आएगी तो तुम्हारे सिर पे आनी है ना। मैं अपनी समझदारी आपके साथ नहीं दिखाना चाहता हूँ। नहीं मुझे पता है आप बहुत समझदार हो, तो मुझे पता है, और अपनी समझदारी का सही जगह इस्तेमाल करो, उनको ढूंढो। मैं कर भी रहा हूँ, प्लीज देखो सुनो, अब टाइम देखिए कितना हो चुका है ऑलरेडी। भैया मैं कोई हवा में उड़ के थोड़ी ढूंढ सकता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं पुलिस को कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं जितना अपने तरफ से अप्रोच कर सकता हूँ मैं उतना अप्रोच कर रहा हूँ। हाँ, जितना पॉसिबल हो सकता है कीजिए, मैं अपनी क्या है उतना पूरा कर, अगर जितना मैं अपनी तरफ से कर सकता, अगर मेरी जरूरत है तो मैं आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर होगी मैं बता दूंगा आपको, है ना। अगर कोई जरूरत है तो मुझे बोलो, मैं आज ही निकलता हूँ, सुबह पहुंच जाऊंगा मैं। चलो कोई नहीं, अभी सर को आने दो, देखते हैं क्या बात है। हाँ जो भी है, सर के पास कौन सा नंबर है, कैसे कॉन्टेक्ट करूँ उनको? अभी उनके पास कोई नंबर भी नहीं, इनफैक्ट उनका फोन, हेलो, हाँ उनका फोन, पता नहीं उनके फोन में क्या रखा है, कॉन्टेक्ट मैं भी नहीं कर पा रहा उनसे, मैं भी उनसे कॉन्टेक्ट करने की मैंने भी कोशिश की, उनका कोई फोन नहीं लग रहा है। मैं जैसे ही आता मैं आपको फोन कर लूंगा, आते होंगे थोड़ी देर में। ओके ओके ठीक है, याद से करना आप। ठीक ठीक है।